हे व्हाट्स अप गेमिंग आर्मी, वेलकम टू गेमिक्स प्रो। तो फाइनली यार आज सुबह जैसे मैंने पबजी को ओपन किया तो एक अपडेट आया हुआ था लगभग 190 MB का। तो आज की इस वीडियो में यार यही देखने वाले हैं हम कि इस अपडेट में हमें क्या नई नई चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। वैसे ये तो आप लोग को पता ही होगा कि गाइस सीज़न जो है कल ही ख़त्म हो चुका है एंड जो नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होगा वो अगले 1 से 2 दिनों के अंदर स्टार्ट हो सकता है। एंड अब इस अपडेट में देखते हैं कि यार इस अपडेट में हमें क्या नई चीज़ें, खास चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ यार लाइक कर देना वीडियो को। ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, फिर भी आप लाइक कर देते हो तो उसके लिए यार बहुत बहुत थैंक यू। बिना बोले ही बहुत लोग जो है वीडियो को लाइक कर देते हैं, तो फिलहाल यार उनको लिए भी थैंक यू। और यहाँ पे जो है हमारा ऐप जो है रिस्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए देखते हैं यार, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा इंटरफेस आया बहुत ही कूल टाइप का, जो कि शायद वीकेंडी मैप का लग रहा है एक वॉलपेपर। एंड फिलहाल हमारा गेम जो है ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हम चलते हैं शॉप के अंदर। तो शॉप के अंदर यार बहुत ही बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है। सबसे पहले तो एक नया डिज़ाइन बोल सकते हो आप, एक नई थीम बोल सकते हो आप। सबसे पहले तो रिकमेंड नाम का एक ऊपर ऑप्शन दिया गया है, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी तरह तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे स्किन्स, कॉस्ट्यूम्स, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डाले गए हैं, जिनको आप डायरेक्ट यहाँ पे आप अगर इसे कंपेयर करो पुराने वाले डिज़ाइन से तो ये बहुत ही बढ़िया है यार। पुराना वाला डिज़ाइन इतना खास नहीं था, लेकिन न्यू डिज़ाइन आया है एक न्यू सीज़न के साथ। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हो, और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और भी दिए गए हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो अगर आउटफिट में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत नई नई आउटफिट आई है। कुछ पुरानी आउटफिट हैं पिछले सीज़न की, लेकिन इस सीज़न भी बहुत सारी न्यू आउटफिट जो है ऐड हुई हैं। ना सिर्फ आप इनको यूसी से खरीद सकते हो, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों से खरीद सकते हो। यहाँ पे फायर आर्म्स में चलते हैं तो बहुत ही प्यारी स्किन यार यहाँ पे M4 की, मुझे तो ये एकदम लाजवाब लगी है। बाकी आप बताओ आपकी फेवरेट स्किन कौन सी है, मेरे को तो M4 की लगी अभी सबसे ख़तरनाक। इसके अलावा यहाँ पे M16 की है, यहाँ पे QBZ की है, स्कारल की है। स्कारल की इतनी खास नहीं है, ऊपर वाली जो ब्लू वाली है वो बहुत ही कमाल की है, लेकिन M4 का यार कोई जवाब नहीं। अगर मेरे को मौका मिले ख़रीदने का कोई भी एक स्किन, तो या तो मैं M4 की खरीदूंगा यार, या फिर एक KM की, जो कि बहुत ही कमाल की है फिलहाल। और यहाँ पर अगर आप चलते हो क्लासिक क्रेट के अंदर, तो इसको आप ओपन कर सकते हो ऐसे जैसे कि नॉर्मल क्रेट ओपन होता था। बहुत सारी घटिया चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी, अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन कम मिलेंगी। और यहाँ पे एक ये न्यू टाइम पीरियड वाला आ गया है, जो कि आपको 7 दिन के लिए मिलेगा, लेकिन आपको उसे जो है ख़रीदना पड़ेगा। बाकी कुछ कुछ न्यू इमोट्स ऐड हुए हैं, ये देख सकते हो आप, जैसे कि ये लड़की एक बहुत ही एटीट्यूड में एकदम खड़ी हो रही है, ऐसे एकदम स्टाइल वटाइल मार रही है, थोड़ी लाइन मार रही है, तो ये एक न्यू इमोट आया है। और इसके साथ साथ ये हेलमेट देख सकते हो, ये ड्रेस तो पुरानी लग रही है, बाकी ये पुलिस वाले की पैंट है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं जो कि मतलब और एक्साइटमेंट बना देती है गेम के अंदर यार। मतलब बहुत से लोग इसे ख़रीदने वाले भी हैं इस मंथ, और मैं भी इस मंथ जो है इस सीज़न जो है रॉयल पास ख़रीदने वाला हूँ। तो आप लोग बताइए यार, आप में से कौन कौन जो है इस सीज़न रॉयल पास ख़रीदने वाला है। फिलहाल यहाँ पे सिल्वर फ्रेगमेंट के सेक्शन में अगर रिडीम सेक्शन में जाएं तो बहुत सारी ड्रेस जो है ऐसी ऐड हुई हैं जिनको आप फ्री में अचीव कर सकते हो सिल्वर फ्रेगमेंट से। और यहाँ पे ये नॉर्मल शॉप है जिसमें से आप आईडी कार्ड खरीद सकते हो, अगर आपको कोई क्लैन ज्वाइन करना है तो वहाँ पे काम आएगा ये। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आइकन हो गए और फ्रेम्स हो गए जिनको आप खरीद सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूसी से खरीद सकते हो। उसके अलावा एक नया सेक्शन आया है व्हीकल के लिए, जो कि पहले भी था लेकिन इस बार जो डिज़ाइन है वो बहुत ही कमाल का है, ठीक है। और ये देखिए बहुत ही एकदम आउटस्टैंडिंग स्किन्स हैं यहाँ पे, और बहुत सारी नई नई ऑप्शन आए हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर हम चाहें तो देखते हैं, और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि ये वाला सेक्शन आप देख सकते हो, ये कॉस्ट्यूम जो है लास्ट सीजन भी आई थी। इसके अलावा अगर आप चलते हो इवेंट्स के अंदर, आपको मैं जाके दिखा देता हूँ इवेंट्स में, तो इवेंट्स में एक और न्यू कॉस्ट्यूम आई है जो कि टाइम पीरियड के लिए है, लेकिन आप उसे फ्री में ले सकते हो। आपको ये कूपन्स इकट्ठा करने होंगे बहुत सारे, 50 कूपन की मिलेगी आपको एक कॉस्ट्यूम, जिसको आप 7 दिन तक पहन सकते हो। बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम है। और बाकी आप बताओ यार, ये आपको कुछ यहाँ से कूपन जो है कलेक्ट करने पड़ेंगे लॉग इन करके, और भी बहुत सारी चीज़ें करके। तो नॉर्मली वही चीज़ें ये फ्री में आपको मिल रहा है तो आप लोगे ही इसको यार। तो बस बाकी कुछ नया चीज़ नहीं आई है इसमें, बाकी जो अदर अपडेट्स हैं वो आगे आते रहेंगे। आज 18 तारीख है, ये एक छोटा सा अपडेट था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो 19 से 20 तारीख को आ सकता है किसी भी दिन, तो उसी दिन जो है सीज़न चेंज होगा और आप जो है रॉयल पास खरीद सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में यार इतना ही। कुछ अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दीजिए, एंड फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बहुत लोग कर देते हैं यार, इसके लिए भी उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।